हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम एक कप दाल और केवल एक चम्मच तेल में बहुत ही आसान और टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। इस नाश्ते की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आधा कप उड़द की धुली हुई दाल लेंगे, आधा कप मूँग की धुली हुई दाल। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से धो लेंगे। दाल को धोने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे 2 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे बाद दाल अच्छे से फूल गई है। दाल का सारा पानी निकाल कर इसे मिक्सी जार में डालेंगे। साथ में डालेंगे 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब हम इसे अच्छे से बारीक पीस लेंगे। पीसते समय परेशानी हो तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। तो दाल को हमने पीस लिया है, अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे। 2 से 3 चम्मच पानी को जार में डालकर इसे हिला कर लिया है, इसे भी इसी में डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 2 पिंच हल्दी पाउडर। अब हम दाल को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे। इस रेसिपी को आप केवल मूंग दाल या उड़द दाल से भी बना सकते हैं। तो 1 से 2 मिनट फेंटने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इनो। इनो को एक्टिवेट करने के लिए 1 चम्मच पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें बेटर को ज़्यादा देर तक नहीं फेंटना है, तुरंत हम नाश्ता बनाएंगे। नाश्ते को आप तवे पर या इस प्रकार के पेन किसी पर भी बना सकते हैं। पेन को तेल डालकर ग्रीस करेंगे। अब हम इसमें थोड़े से सफ़ेद तिल और थोड़े से सरसों के दाने स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसमें बैटर डालेंगे। ऊपर से बारीक कटे हुए प्याज, गाजर और शिमला मिर्च डालेंगे। आप इसे बिना सब्जी के प्लेन भी बना सकते हैं। बीच में थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक पकने देंगे। ऊपर से इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और अब हम इसे पलटेंगे। दोनों साइड से इसे हमें लाइट गोल्डन कलर आने तक सेकना है। दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। गर्मा गर्म इस नाश्ते को आप चटनी या सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।